देखिए बेटा, हम चेक करते हैं कि हम HTML में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा डिव का है। देखिए डिव डिव बेसिकली हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसका क्या तरीकाकार है। मैं एक यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ, फर्ज करें कि मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ कोई डिव कैसे। फर्ज करें मैंने एक शेप बना ली है, ये शेप है, कट कर दिया और मैं शेप ले लेता हूँ यहाँ से। ये एक शेप है और इसको मैं यहाँ से काट, ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब देखें बेटा, ये हमें एक शक्ल तैयार करनी है। फर्स्ट कर इसमें मैं लिखता हूँ होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट या जो भी इसके अंदर आ जाता है। अब ये एक शक्ल हम अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें टोटल कितनी डिव अप्लाई होंगी, अब ये बात आपने समझनी है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, बॉक्स। ये कितनी डिव हो गई, आपने मुझे रिप्लाई बेटा साथ साथ देना है। हाँ जी, कितनी डिव वन हो, 1 डिव हो गई। अब इसके अंदर मैंने ये कितनी डिव हो गई है, कितनी हो गई है, थ्री। थ्री हाँ जी, एक पहले, दूसरी ये रो बनी और तीसरी ये रो बनी, अंडरस्टैंड। अब कितनी डिव हो गई है, फोर 5 हो गई है। और फाइव अब कितनी डिव हो गई है, 7 7 डिव हो चुकी है। सेवन अब इसको जरा हम यूज करते हैं कि हमने 7 डिव को यूज कैसे करना है। इसको बॉक्स अगर हम तैयार करना चाहते हैं तो हम कैसे इसको बनाएंगे। चलें जी, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने। चले नहीं, मैं एक आपको पहले बनाता हूँ, दिखाता हूँ कि ये को बना हुआ हमारे पास पड़ा हुआ है। ये देखो, नजर आ रहा है, ये चीज हमने तैयार कर ली, अंडरस्टैंड। तो अब इसको हम तैयार करें, इसे हम कैसे तैयार करेंगे। हाँ सर, कोडिंग नहीं खुली हुई है आपकी, जी, कोडिंग शो नहीं हो रही आपकी, वही वर्ड ही खुला हुआ है। हाँ जी बेटा, ये मैंने पेज खोला हुआ है इसकी, मैं कोडिंग अब इसकी मैं आपको दिखाता हूँ ना, हम यूज करते हैं। अब इसको बनाएंगे तो हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ सबलाइन। हाँ जी, सबलाइन में मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और उस न्यू फाइल को मैं पहले सेव करता हूँ। जी, किस नाम से सेव किया जाए उसे। हाँ जी, डिव SS1.html के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। अब इसको मैं जरा तैयार करता हूँ HTML। चलो, टाइटल इसका मैं रख लेता हूँ डिव CSS। सर शो नहीं हो रही कोडिंग, कोडिंग शो नहीं हो रही सर वर्ड की फाइल शो हो रही है। मेरे पास, तो खैर है, कोडिंग शो हो रही है, स्क्रीन तो शेयर है। हाँ वर्ड की फिगर इशू हो रही है सर जी, जी, हाँ वर्ड ये वाली वर्ड पेज शो हो रहा है। वाला शो हो रहा है, खैर है, नेट की प्रॉब्लम है क्या, मसला है, शो तो होना चाहिए। आवाज आ रही है ठीक है यस सर, सर। नमस्कार। लेकिन वर्ड की फाइल शो हो रही है। हाँ चलिए, 1 मिनट मैं इसकी शेयरिंग करता हूँ, जरा दोबारा देखिएगा। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ कि आपको दोबारा शो होती है या नहीं। हाँ जी, आप हुई है बेटा, आप जी वैसे सिर्फ लोडिंग हो रही है अभी, अभी भी कौन सी हो रही है, जो नो सर अभी सर भी नहीं अभी हो हो रही रही, सर। सर आ रहा है कि हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयर, स्टार्टेड,
स्क्रीन शेयरिंग का जो मैसेज आता है अभी सिर्फ वही आ रहा है, स्क्रीन ही शेयर हुई है आपकी। सर आप इंटरनेट स्लो चल रहा है शायद। इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से शेयर नहीं हो रही, मतलब सिग्नल ठीक है यार, सिग्नल तो आ रहे हैं। स्टॉप करते हैं इसको, दोबारा चेक करते हैं। हाँ जी बेटा, तो शेयरिंग हुई है, अब जो हो गया चले चले सर। देखे बेटा, हम आपको ये हमने एक फाइल बनाई है डीप सीएसएस के नाम से। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो बेसिकली ये चीज थी, ये देखो ये बनी हुई चीज है, नजर आ रही है आपको, ये वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसको जरा हम बना के चेक करें, अब इसको हमने बनाना कैसे फर्ज करें मैं इसको। हाँ जी बेटा, ये नजर आ रहा है ये पेज बना? यस सर, चले यस सर। अब इसकी मैं आपको इसको बना के दिखाते हैं हम इसे बनना कैसे। अब सबसे पहले बेटा हम लगाते हैं एक टिप। पहले एच हेडर लगा दो, अप्लाई टिप, अब नीचे जरा मैं टिप बनाता हूँ उसकी। एंड उस डिप के अंदर मजीद दो डिप्स ऐसे ही है। इस डिव के अंदर दो रोज है। अब देखे ना, मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं। पहले मैंने ये डिव बनाई टोटल, फिर मैंने इस डिव का ये पार्ट तैयार किया, ये डिव बनाई एक, ये ऊपर वाली ये डिव। Yes. अब ये डिप के अंदर मजीद ये दो डिप्स हैं। अब इसके तो दो है, एक ये और एक ये, वो हम बना रहे हैं फिलहाल। अब देखें जी, हाँ जी दो डिप्स इसके अंदर है, एक पहले ये डिप हो गई डी आई वी, हाँ जी बेटा एक ये डिव बन गई, एक ये डिव बन गई। अब ये दोनों किस किस के लिए बनी है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा जरा। एक हाँ जी, एक पहली टोटल के लिए, ये देखिए हाँ जी पहली ये बनी। अब उसके बाद जब हम इसको हम देखे आए फर्ज करें हम, अब एक ये बना दी और एक मैंने ये डिप बना, ठीक है, एक ये डिप और एक ये डिप, ये तैयार कर दिया। अब देखिए जरा मजीद अगर हम चले, अब इसके अंदर मजीद डिप है, ये देखो जरा इसके अंदर ये, अब ये डिप यहां अगर मैं लगाऊं तो ये और ये दो डिप ये है इसके अंदर, तो यहां मैं वही बनाता हूँ इसके अंदर दो डिप डिप। और एक डिप और इसके अंदर बनाता हूँ, दो डिप इसकी बन गई, दो कॉलम इसके हैं तो उसके लिए पहले ज्यादा डिप बनेगी डिप। अब इस डिप के अंदर हम लिखेंगे फर्ज करें हमारी पहला होम, फिर और
इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट, अबाउट इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिप्लॉय, अब इसको कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखिए मैंने कहीं बॉर्डर वी आर यूज नहीं किया, ब्रेक स्टेटमेंट कहीं नहीं यूज की। अब इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कैसा नजर आएगा फिलहाल अभी ऐसे, ये देखिए अभी सिर्फ उसने इसकी चारों को अलहदा अलहदा कर दिया, ठीक है, ये अलहदा डिव है, ये अलहदा बना दी, ये अलहदा बना दी, ये अलहदा बना दी। अगर इसको मैं डिव ना लगाता तो फिर क्या होगा? फर्ज करें मैं डिव से बाहर यही काम करता हूँ, डिव के बाहर अगर मैं यही काम करूं, मैं लिखूं टर्म, ठीक है, अबाउट कॉन्टेक्ट ट्राई, अब कंट्रोल एस किया तो ये देखें उससे सारी एक ही रो में शो करवा दी है। हाँ जी बेटा समझ आई है बात की, डिप लगाने से उसने क्या किया था, सबको अलग अलग कर दिया था और आप देखे सबको एक ही जगह पर उसने रख दिया, उसने कोई अलग अलग नहीं किया। इसलिए डिप जो होती है पहली बात है वो अलग अलग करने के लिए, ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं, जिस पर मैंने आपको बताने के लिए। अब देखिए बेटा हमने इस डिप के ऊपर अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, मैं यहाँ सी एस एस अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं एक मेल के नाम से मेल के नाम से क्लास तैयार करता हूँ स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैं लगाता हूँ डॉट मेल, मेल के नाम से मैंने एक क्लास तैयार कर ली है, हाँ जी, उसको मैं देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर या हाइट और विड्थ दे दो पहले, हाँ जी हाइट मैं देता हूँ 250-100 पिक्सल्स और विड्थ देता हूँ जी इसको भी 250-100 पिक्सल दे देता हूँ और इसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर देता हूँ, अब जरा देखिएगा क्या बन गया, और अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं अप्लाई हुआ कि मैंने क्लास बनाई जरूर है लेकिन उस क्लास को मैंने बताया नहीं कि कहाँ अप्लाई करनी है, तो ये मेन की क्लास है तो टॉप डिव के अंदर आ जाएगी, यहाँ पर मेन डिव, मेन डिव तो यही है ना, बाकी तो उसके अंदर छोटी डिव बन रही है ना, तो इसी को मैं, हाँ जी क्लास को बेटा यूज करने का तरीका कार क्या होता है, हम क्या लिखते हैं क्लास आगे उसका नाम लिखना होता है, तो हमारा नाम क्या है यहाँ मेन, मेन अब इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, जरा इसे यूज करते हैं, हाँ जी अब देखिए यहाँ करने से उसने बैकग्राउंड में कलर दे दिया है और कितना मैंने उसे कहा था 250 पिक्सल्स कहा था हाइट और 250 मैंने कहा था विड्थ, तो देखे उसने एक बॉक्स पीछे बैकग्राउंड में बना के दिया। अब हमने बेसिकली चलना है जी, अब हम दूसरा हमारा काम क्या है, अब हमने इस कलर का करना क्या, हम जब चाहते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसे ही है, पहले तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, चलिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जी, तो मैं एक और डिव बना, एक और क्लास बनाता हूँ जी, यहाँ पर उस क्लास को मैं कहता हूँ रो वन, क्योंकि अभी मैं रो वन के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो मैं रो वन के नाम से एक क्लास तैयार कर देता हूँ, रो वन, रो वन की मैं क्लास तैयार की है, हाँ जी रो वन में मैं क्या चाहता हूँ, अब देखिए रो वन में मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो हाइट है वो हाफ हो जाए, विड्थ उतनी रहे, हाइट हाइट हाफ हो जाए, एक ये रो बन जाए, एक ये रो बन जाए, ऐसे ही है, तो उसके लिए मेरे पास क्या लिखूंगा, हाइट, हाइट जो है
वो 250 है, तो मैं इसे जरा चेंज करता हूँ क्योंकि मैं इसकी 3 करता हूँ ताकि मुझे आसानी हो दोनों को डिवाइड करने में। हाफ आप करनी है तो 250 का हाफ करना मुश्किल हो जाएगा। 250 का हाफ भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैं हाफ इसका कर लेता हूँ 100, विड्थ उतनी रहने देता हूँ क्योंकि विड्थ मैंने चेंज नहीं करनी, विड्थ 200 पिक्सल ही रहे। और इसको बैकग्राउंड कलर कुछ और देता हूँ ताकि मुझे मेंशन हो जाए कि रो बन गई है। बैकग्राउंड कलर, हाँ जी बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब ये मैंने कहाँ बनाई है, ये मेन डिव के अंदर ये रो बनी हुई है। ये देखिए ये डिव हमारी किस लिए थी, रो के लिए था ना। रो के अंदर दो कॉलम बने हुए हैं, इसका मतलब मैं अभी रो के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी क्लास बनी है, कौन सी है क्लास बनाई, इसके लिए मैंने क्लास इसका नाम मैंने क्या रखा, रो 1। अब देखिए जरा ये अप्लाई होती है जी। हाँ जी बेटा समझ आइए यहाँ तक काम की। यस सर। अब देखो अब हमने क्या करना है जी, अब मैं चाहता हूँ कि इसके दो सेक्टर यहाँ से दो पार्ट कर दूँ इसके, ऐसे ही है ना, क्योंकि तो यहाँ से दो पार्ट करने। पहले मैंने टोटल बनाया, टोटल को मैंने क्या कर दिया, उसकी जो हाइट थी ये हाइट थी उसको मैंने डिवाइड कर लिया दो पार्ट्स के अंदर, इसको मैंने रो 1 कह दिया। ये हमारी रो 1 बनेगी और ये रो 2 बनेगी। अब पहले इस जो ये हमारे पास रो बनी है, इस रो को मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड करूँ या पहले रो 2 बना दूँ, क्योंकि अभी ये रो बनी है ये नहीं बनी, समझ लगी, क्योंकि पहले ये मेन पूरी है इसके अंदर, इसके ऊपर मैंने काम कर दिया, इसके ऊपर अभी काम नहीं हुआ, तो चले इसको भी ऊपर मैं काम कर लेता हूँ। पहले इसको मैं रो 2 बना देता हूँ। तो सही ऑटोमेटिकली नहीं हो गया? नहीं, ऑटोमेटिकली उसने ऊपर वाला किया ना, नीचे वाला तो अभी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं हाँ देखे ना, आपके पास एक मुकम्मल ग्राउंड है, एक ग्राउंड में आप एक कमरा तैयार करते तो बाकी तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा ना, बाकी तो ऑटोमेटिकली तो नहीं बन जाए ना, उसको तो बनाना पड़ेगा ना। देखे ना अगर हम रो ही नहीं बनाएंगे, ये देखे ना अगर मैं यहाँ इसकी अलहदा रो नहीं बनाता तो फिर इसके कॉलम कैसे बनाऊंगा, यस ये प्रॉब्लम करेगा ना बाद में चल के। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट रो 2 बनाता हूँ, रो 2 के अंदर मैं करता हूँ। देखे अब मैं दूसरे सर के, हाँ डॉट जी अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही मुझे चाहिए, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा बस इसका, क्योंकि हाइट और विड्थ तो यही चाहिए ना, क्योंकि मुझे इसको मैंने किया कॉपी और पेस्ट। हाँ जी बैकग्राउंड इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, अपना वहां पहले ऊपर वाले का येलो रखा था तो नीचे वाले का मैं हॉट पिंक कर देता हूँ। आप इस ये मेरी दूसरी इस डिप के लिए दूसरी रो के लिए तो मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास जी R2 रो 2। हाँ जी अब दोनों बन गई, दोनों रोज क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है कि हमने इसका सेक्टर करना है। अब रो 1 को मजीद दो कॉलम बनाने हैं, रो 1 की क्या बने कॉलम बने, तो मैं क्या करता हूँ सी एस एस अप्लाई करता हूँ, यहीं पर पहले रो 1 के बना देता हूँ। हाँ जी मैं क्या करता हूँ, रो 1 कॉलम 1,
हाँ जी, मैंने इसका नाम रख दिया रो वन कॉलम वन, रो वन का पहला कॉलम। तो ये क्लास के अंदर क्लास बनेगी क्या? अच्छा नहीं, क्लास के अंदर क्लास भी बनेगी। ब्रैकेट्स बाहर आ, तो बन रही है ना ये क्लास। अब देखिए जरा इसके अंदर मैं क्या करता हूँ। अब देखिए मेरी रो वन जो उसकी हाइट मेरे पास कितनी है, 100 पिक्सल है, और विथ उसकी 200 है। अब हाइट तो मैंने चेंज नहीं करनी, अब विथ को मैंने दो हिस्सों में तकसीम करना है। देखे ना, ये हमारी इस तरह विथ होती है ना, इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम करना है। हाइट तो मेरी इतनी रहेगी, अब मैं हाइट को डिवाइड कर, अब मैं सॉरी विथ को डिवाइड कर, मैं क्या करता हूँ जी, ये कर देता हूँ हाइट, हाइट तो रहेगी मेरी 100 पिक्सल ही, लेकिन जो आगे विड्थ है वो कितनी हो जाए, वो हाफ हो जाए, विड्थ को भी मैं 100 पिक्सल। अब दो पहले 200 थी, तो अब मैं सेव कर देता हूँ 100 पिक्सल, और इसको आपको ये अलग कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। लाइट चली गई है बेटा, 1 मिनट मुझे लाइट उठानी थी वरना काम खराब हो जाएगा। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? बच्चे आवाज यस हो? सर, अच्छा, हाँ जी बेटा, इसको मैं कोई बैकग्राउंड कलर पहले हमने जो दिया हुआ है वो इसको येलो है, अब इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ। फर्ज करो इसे मैं ब्राउन कलर कर देता हूँ। जी, कलर ब्राउन हो गया, कंट्रोल एस कर दिया, तो ये रो वन हो गई, तो इसी तरह मैं रो टू बना देता हूँ। ओ सॉरी, रो वन कॉलम टू, रो वन का कॉलम बना रहा हूँ ना, डॉट रो वन कॉलम टू। इसी चीज को यहां मैं कर देता हूं कॉपी, कंट्रोल वी कर दिया, इसको कलर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कहता हूँ जो पीछे है वही रहे, बस एक का हो जाए ताकि डिफरेंस मालूम हो जाए। कंट्रोल एस कर देता हूँ, अब चेक करूँ जरा इसको, बस अप्लाई नहीं हुआ, पता क्यों? क्योंकि हमने क्लास को अप्लाई तो नहीं करवाया ना नीचे इसको न, हाँ जी, ये मेरे पास इस डिव के ऊपर अप्लाई किया ना, इसका नाम क्या रखा था हमने, क्लास, इसको हमने दिया था रो वन कॉलम वन, और इसको हमने क्या नाम दिया था क्लास को, क्लास रो वन कॉलम कॉलम टू, कंट्रोल एस कर दिया, यही नाम है ना, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू। अब इससे मैं कंट्रोल एस करके, तो हाँ जी, अब देखें बेटा समझ आइए। अब देखें अबाउट नीचे चला गया है, उसी के ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ नहीं आया अभी, तो इसको हम लेके आते हैं फिलहाल अभी। तो इसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको मैं करता हूँ जी फ्लोट, क्या करता हूँ फ्लोट, ये आ गया नीचे फ्लोट लेफ्ट, और यहां भी मैं लगा देता हूं जी फ्लोट लेफ्ट, सॉरी यहां नहीं, इसके अंदर फ्लोट लेफ्ट कंट्रोल है इसके। अब देखिए जरा, हाँ जी आ गया बेटा यहाँ पर, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। हाँ जी बेटा, ऊपर वाला तैयार हो गया, समझ आ गई है बात की?
ये लेफ्ट पे क्यों गया, राइट पे नहीं करना था? नहीं बेटा, ये हमारे पास एक जगह इसको हार्ड बॉक्स में लाने के लिए हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लोट लेफ्ट होती है, ठीक है? ठीक है, यहां से उठा अच्छा के ये अपने लेफ्ट पे आ जाए, इसके लेफ्ट पे है, ये आगे इसके लेफ्ट पे आ जाए, ठीक है? राइट पे करेगा तो ये तो इधर आगे जाएगा ना, फिर आप यहाँ पर थोड़ा नहीं होगा ना, वो हमने इसे लेफ्ट करना होता है। अब इस पे तो काम हो गया है, अब ये कॉलम वन हो गया, रो वन होगी और रो टू भी हो गई। अब रो टू के हमने कॉलम बनाने हैं, रो टू के हम, बल्कि मैं सेम इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, इसके सिर्फ नाम चेंज कर दूंगा, ऐसे दोबारा सारा कुछ लिखने से। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर दो क्लासे बना लेता हूँ। हाँ जी, इस क्लास का नाम रख देता हूँ जी रो टू कॉलम वन, और रो टू कॉलम टू, रो दूसरी का पहला कॉलम और रो दूसरी का दूसरा कॉलम। हाँ जी, रो टू, ये क्या मैंने कट किया था, कॉपी किया था, क्या किया था? कॉपी किया था। कॉपी नहीं किया ना, देखिए ये रो वन, हाँ जी ये रो टू, ठीक है? अब मैंने ये कर दिया रो टू कॉलम टू। अब इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ ब्राउन है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड। सर रो वन कॉलम वन के साथ आर नहीं है। रो वन और कॉलम वन के साथ आर, अच्छा ये आ गया। चलें कंट्रोल एस, इसको मैं जरा यहाँ पे भी अप्लाई करवा देता हूँ। हाँ जी, क्लास रो टू कॉलम वन, और यहाँ पर भी क्लास रो टू कॉलम बिटू है, कंट्रोल एस। अब इसको जरा देखें। हाँ जी, हो गया बेटा। अब अगर ये देखो यहाँ पर, क्योंकि ये साफ नजर नहीं आ रही हैंडराइटिंग, तो मेन के ऊपर मैं जाके जो मेन डिव लगाई थी, मेन डिव के अंदर मैं एक कलर सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट के लिए कलर देने के लिए हम कलर यूज करते हैं। कलर मैं क्या करूँ, वाइट कर दूँ ताकि सबको नजर आ जाए, और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बढ़ा दूं, फॉन्ट साइज मैं कर देता हूं जी, हाँ जी 15 पिक्सल्स कर दूं, कंट्रोल एस। अब जरा चेक करें, हाँ जी हो गया, लेकिन 15 पिक्सल बहुत कम है, इसको मैं 25 पिक्सल्स करता हूँ। अभी भी छोटा है, 50 पिक्सल्स कर। अरे तो बहुत ही बड़ा हो गया है, 25 ठीक था, कंट्रोल एस। हाँ जी बेटा, समझ आ गई अब बात की कि हमने इसको कैसे तैयार किया है जी। तो यस फिर कल के लिए मैं आपको एक शेप दूं तैयार करने के लिए, आप वो तैयार करके लेके आएंगे। जी दे दे। चलिए जी, मैं आपको एक शेप दे रहा कल होनी है हूँ क्लास? जी बेटा, होगी कल क्लास, ये मेरे पास कितने
सेम बजे टाइम पे। हाँ जी इसी टाइम पे होगी। कल मैच कितने बजे है आपका? 7 बजे। 7 बजे। अच्छा जी 7 बजे। अच्छा यानी जी पांच चल बजे रख लें। 5 बजे रख लें, ये भी ठीक है, 5 बजे रख लेते हैं। हाँ जी ये तैयार करके आनी है कल आपने। इस शेप को आप बेशक इसके स्क्रीनशॉट ले लें, स्नैप बना लें, जो मर्जी, ये शेप आपने कल तैयार करनी है। ठीक है हाँ जी बेटा, नजर आ रही है? कहो तो क्या सर? मैं, हाँ जी अगर कहें तो मैं तस्वीर खींच के इसकी सेंड कर देता हूँ आपको। तस्वीर खींच ली है मैंने, ये आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये शेप आपने बनानी है, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, डिफरेंट शेप्स बनाएंगे ताकि आपको डिव यूज करनी आए कि डिव को हमने यूज कैसे करना होता है। हाँ जी बेटा हो गया क्लियर? अगर इसके मुतल्लिक आपने कोई क्वेश्चन करना है तो बता दें कि ये हमने काम कैसे किया है। आगे इसके अंदर जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आपको पहले अप्लाई करनी आती हैं, फॉन्ट का स्टाइल आपने चेंज करना हो, इसको सेंटर में करना हो, वो सारा आपको पहले पता है। मजीद जो चीजें आती जाएंगी वो इंशाल्लाह हम साथ साथ करते जाएंगे। हाँ जी उजैर आपकी स्क्रीन शो हो रही है मेरे पास। हाँ जी बेटा पूछ रहा है किसी ने कुछ इसके मुतालिक? कोडिंग सर एक दफा कोडिंग दिखा दें। दिखा दें, ये लें बेटा कोडिंग देख लें, ये लें जी।